हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज आप लोगों के साथ मैं इतना यूनिक चीज़ शेयर करने जा रही हूं और ये 110% कारगर सिद्ध हुआ है मेरे साथ। आज है 18 अगस्त और आज मेरी डिलीवरी को 2 महीना हुआ है, पक्का 2 महीना। 18 जून को मेरी बेटी हुई थी और नॉर्मल में जो टाँके लगते हैं उस टाँके की मैंने किस तरह से मैंने देखभाल की कि मैं 10 से 12 दिन में मैंने अपने आप को ठीक कर लिया पूरी तरह से। लेकिन नियम होता है हम लोगों में कि किस दिन तक किचन आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप को यकीन ना हो और आप चाहें तो मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ब्लॉग करके बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें आप देखिएगा। मैंने 21वां दिन बाबू का, मेरी बेटी का छठी का रस्म था, उसी दिन से मैंने इतना स्पीड काम में पकड़ लिया, हर तरह से मैंने सारा काम किया। बकायदा नीचे बैठकर जो रस्म होता है छठी का वो भी मैंने आराम से किया। मैंने पूरी तरह से मेरा जो टाका था, जो मतलब घाव था, वो पूरी तरह से फिल हो चुका था। तो मैंने किस तरह से देखभाल की वो मैं शेयर करूँगी। और 21वां दिन मेरी मम्मी, 21वां दिन छठी था और मेरी मम्मी अगले दिन सुबह ही चली गई और उस दिन से मैं लगातार काम कर रही हूँ, सुबह शाम कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तो मैं योग वगैरह भी शुरू कर दूंगी बहुत जल्दी। हाँ, वीकनेस थोड़ा सा होता है, वो आपके खान पान पर निर्भर करता है, लेकिन घाव जो आपका टाका जो लगा होता है उसकी देखभाल किस तरह से करके मैंने अपने टाके को 10 से 12 दिन में फिल किया है, यानी कि पूरा रिकवर किया है, पूरी तरह से ठीक किया है। पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको ये चिंता आपकी ख़त्म हो जाती है कि मेरे टाके जूटे या नहीं जूटे, या फिर आपको दर्द अगर हो रहा है। तो मैं अभी आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, बकायदा मैंने कौन सी दवाई खाई और कौन सा ये महलम मुझे मिला था वो लगाया, क्या 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 मैंने अपनाया, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ मुझे ये हॉस्पिटल से दिया गया था, मैं किसी भी मेडिसिन का नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि अलग अलग डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन आपको रिकमेंड करते हैं। इसीलिए अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी दवाई का। तो मैं महलम का नाम ले सकती हूँ, जो कि मुझे लगता है लगभग सभी डॉक्टर वही महलम रिकमेंड करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मुझे मिला था गर्म पानी में करके इसको धोने के लिए घाव को, और मैंने क्या क्या यूज किया है वो मैं बताती हूँ। तो मैंने बस 3 चीज़ आपको यूज करना है, 3 चीज़ यूज करके आप 12 से 15 दिन में या 10 से 12 दिन में रिकवर हो सकते हैं। पहला कि आप मान लीजिए सुबह की शुरुआत होती है तो आप वॉशरूम जाते हैं, तो आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है। और गर्म पानी से ही आपको जब जितनी बार आप वॉशरूम जाते हैं गर्म पानी यूज करना है। और कई जगह बताया जाता है कि आप टब पे दोनों तरफ पैर करके फैला कर बैठिए, या बाल्टी में नीचे स्टीम आ रहा है उस पर बैठिए, थोड़ा सा उसमें परेशानी होती है, आप इस तरह से पैर करके बैठना बहुत मुश्किल होता है। शुरू का जो 8 से 10 दिन होता है बहुत मुश्किल भरा होता है, तो वो संभव नहीं है कि आप उस तरह अगर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो मैंने क्या किया था, या मैं क्या किया करती थी कि पानी को गर्म लगा अधिक क्वांटिटी में पानी लेती थी, लगभग 2 किलो के आसपास, और उसको नॉर्मल कर देती थी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और मग में लेकर के जब आप वॉशरूम जाते हैं बैठकर आपको नहीं करना है वॉशरूम, बस मैं अपना आपको बता रही हूँ, बैठकर नहीं करना है, आप जिस तरह झुककर करना है करिए। और बस वॉशरूम के बाद उस पानी से आप मग में पानी लेकर नीचे से ही आप उसको प्रेशर के साथ इस तरह ऊपर मारते हैं, इस तरह से सर को झुकाकर, और इस तरह से आप ऊपर मारते जाइए पूरी तरह से कम 3-4 मग को लेकर, आप मग पानी लेकर आप उसमें उसको धो लीजिए। बिल्कुल हाथ लगाने की तामझाम नहीं है। आप इस तरह से धोने के बाद आप जब आते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह का कॉटन कपड़ा, ये धोती होता है जो जेंट्स लोग रैप करते हैं, हम लोग बिहार में इसको धोती बोलते हैं, या तो फिर आपके पास इससे बेहतर कुछ नहीं है, मैं ऑप्शन में कुछ नहीं डालूंगी। मैंने जो किया है मैं आपको वो बताती हूँ। ये धोती का कपड़ा होता है, रुमाल साइज का होता है, काफ़ी ये सॉफ्ट, और ये सॉफ्ट होता है और ये वाइट होना चाहिए ये कपड़ा। इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है, और भी फोल्ड करना है, बिल्कुल इसको मुलायम बना देना है, इसको और भी फोल्ड करना है। ये जो आपका कॉर्नर है, ये जो किनारा है, इसको इस तरह से लपेटते लपेटते आपको इस तरह से राउंड बना देना है। उसके बाद आपको दोनों पैर को फैलाकर इसको जो है अपने घाव पे, अपने स्टिच पे इस तरह से हल्का हल्का आपको टच करना है, और आपको देखना है यहाँ पर कि कहीं आपका जो आपका जब घाव पक जाता है तो वाइट वाइट मवाद आने लगते हैं, कहीं वाइट तो नहीं आ रहा है। अगर आपका रेड आ रहा है तो
तो कोई बात नहीं है, ब्लीडिंग तो होती ही रहती है, इस तरह करके आपको देखना है। यहाँ पर अगर ज़्यादा ब्लड लग जाता है फिर से इसको खोल कर इसको अंदर ऐसे फोल्ड करके एक ही कपड़े का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 है तो और भी अच्छी बात है। फिर से आपको इस तरह करके तब तक करते रहना है, चेक करते रहना है जब तक कि ये कपड़ा आपका पूरी तरह से साफ ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ आपका टाका लगा हुआ है आपने गर्म पानी से धोया, गर्म पानी से धोने के बाद ही बहुत गंदगी आपकी चली गई। अगर कुछ इधर उधर चिपका हुआ है तो आपको इससे साफ़ कर लेना है, और जब ये पूरी तरह से साफ हो जाए तो आपको क्या करना है, महलम लगा लेना है फिंगर में ले करके। मुझे ये महलम रिकमेंड किया गया था, इसका नाम मैं बता दे रही हूँ आपको क्योंकि ये लोकल है। ये मैक्सिमम हर अस्पताल में यही मिलता है। ये सोफ्रा मशीन है, आपको फिंगर में ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, लेकिन अगर आप बिना देखे भी इसको लगा सकते हैं। कई लोग नहीं देखते हैं, कई लोगों को हिम्मत होती है वो देख के यूज करते हैं, लेकिन मैंने बिना देखे ही अपने घाव को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो इसको आप लगा कर छोड़ दीजिए। ये आपने सुबह किया, उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह उठकर आपने ऐसा किया, उसके बाद जब आप स्नान करके आती हैं तो स्नान करने के समय भी वही प्रक्रिया होनी चाहिए कि आपको जैसे कि डॉक्टर पहले ही दवाई दे देते हैं कि आपका जो मोशन है वो लूज हो, आपको पॉटी लूज आए, टाइट नहीं हो। और उसके बाद आपको उसी तरह करना है, पॉटी वगैरह करने का नहाने के पहले आपको गर्म पानी से उसी तरह धो लेना है। नहा कर आने के बाद उसमें एक चीज़ और आपको ऐड करना है, फिर से नहा कर आने के बाद आप अपने घाव को स्वयं इसी कपड़े से उसी प्रक्रिया से बार बार चेक करें और इस कपड़े को अच्छे से डिटॉल वगैरह से धोकर सुखा लें और फिर उसी तरह से चेक करें। आप चाहें तो गर्म पानी में इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नहीं किया था, बस 1 या 2 दिन किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया था। और नहा कर आने के बाद अच्छे से इससे जो है जहां आपको स्टिच लगा है उसको ड्राई करने के बाद फिर आप अपने इस रूम हीटर, ये रूम हीटर है मेरा, ये रूम हीटर है, इस रूम हीटर, इसी तरह का रूम हीटर होना चाहिए, ओपन खुला हुआ। ये रूम हीटर मेरे बहुत काम आया। इस रूम हीटर को आप जैसे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं उसमें मैंने इसको प्लग में कर देती थी, और आप दोनों पैर के बीच में इस रूम हीटर को रखें। और आपको क्या करना है, डायरेक्ट बोर्ड में नहीं लगाना है, एक्सटेंशन में लगाना है बोर्ड में, और एक्सटेंशन को बिल्कुल अपने बगल में रखें क्योंकि आप उस पोजीशन में जल्दी से तेज़ी से नहीं उठ पाएंगे। अचानक से करंट वगैरह तो नहीं आएगा, नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए कि अचानक से कोई परेशानी हो रही है या आपको ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इससे ज़्यादा पावर वाला आपका रूम हीटर है, तो बगल में आप एक्सटेंशन रखें कि तुरंत आप स्विच ऑफ कर दें। तो मैं यही किया करती थी, अपने बगल में एक्सटेंशन रख के और इसको प्लग में लगा कर घाव को अच्छे से कॉटन कपड़े से सुखा कर मैं घड़ी देख कर 5 से 7 मिनट उसको गर्म इससे जो हीट निकलता था वहाँ पर रखती थी। इससे क्या होता है, आपका स्वेलिंग जो है, आपका जो सूजन है वो कम होता है, घाव भी पूरी तरह से ड्राई होता है। बेहतर है कि सबसे बढ़िया काम क्या होता है, आपके जो थाई में या जहाँ आपको टाका लगा है वहाँ जो सूजन होता है बहुत तेज़ी से कम होता है। तो ये काम करने के बाद फिर आपको यही महलम उपयोग में लाना है। 2 बार आपने इस तरह से कर लिया, और अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आपको क्या करना है, अगर आप 5 से 6 बार वॉशरूम जा रहे हैं तो ये जो सिकाई वाला काम है ये मेरे साथ, मुझे हॉस्पिटल में भी सिकाई दी गई थी, लेकिन वहाँ बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब जलाकर और दोनों पैर के बीच में, तो उससे जो है कम हीट मिलता था मुझे, और परेशानी हॉस्पिटल में 2-3 दिन स्टार्टिंग का था तो ज़्यादा परेशानी थी। तो मैंने वहीं पर पूछ लिया था कि मेरे पास रूम हीटर है, क्या मैं उससे कर सकती हूँ। उन्होंने कहा था ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। गांव वगैरह में देखिएगा कि जो कॉडंग्स यानी कि जो गोइठा होता है, गोबर से बना हुआ होता है, उसमें आग जलाकर धाव लगाया जाता है, लेकिन शहर में वो सब उतना संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर आप, मैंने पूछ लिया था तो उन्होंने कहा था आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, कितना देर करते हैं, क्योंकि बल्ब मेरे पास बड़ा है और ये धीमा धीमा गर्म होता है धीरे धीरे। तो मैं आपको इसको 15 मिनट तक सिकाई करती हूँ, और एक पोजीशन में 15 मिनट रहते रहते आपकी स्थिति भी ख़राब हो जाती है, कमर भी दर्द होता है स्टार्टिंग में, इसीलिए एक्सटेंशन को अपने बगल में रखें। अगर अधिक धाव लगने लगे, अधिक गर्मी आपको महसूस होने लगे, या फिर कमर में अधिक पेन होने लगे, या आपको लगे कि अब मेरा हो गया, आराम मिल रहा है, आपको काफ़ी राहत मिलेगी, कुछ देर के लिए आप दर्द भूल जाइएगा, तो आप एक्सटेंशन को बंद कर दीजिए। और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है आपको 5-6 बार वाशरूम जाना है, और हर बार आपको उसी तरह गर्म पानी से, गर्म पानी कभी नहीं छोड़ना है, 8 से 10 दिन 12 दिन तक बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, और हर बार उसी तरह गर्म पानी से धोकर कॉटन कपड़े से सुखाकर हर बार आप महलम का प्रयोग करिए। अगर जल्दी जल्दी आप जा रहे हैं थोड़ा
मलहम की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप 2-3 दिन ज़्यादा कर सकते हैं, 2-3 दिन के बाद मलहम की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो शिकाई वाली प्रक्रिया है कम से कम आप 10 से 12 दिन करें, उसके बाद आपको जो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये जो मैंने कॉटन कपड़ा वाला बताया है, अगर आपका टाका गलने वाला है तो टाका इसमें चिपक के भी आने लगेगा 5-6 दिन बाद, तो आपको ये पता चलने लगेगा कि आपका टाका अब गल रहा है। उसके बाद जब डॉक्टर विजिट में आप जाते हैं, डॉक्टर जब बुलाती हैं तो वो चेक करती हैं आपका जुट गया या नहीं जुट गया, और वैसे भी अगर टाके आपके नहीं जुटे हैं तो इसका यही संकेत है कि आपको बुखार आने लगता है, और अगर बुखार नहीं आता है तो आपका टाका जुट गया है। तो ये मैंने अपनाया था और 10 दिन तक ये शिकायत की थी और मेरा घाव जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक हो गया, कोई लोचा नहीं आया। मुझे बेटे के टाइम में बहुत परेशानी हुई थी, उसमें मुझे ये सब आइडिया नहीं था और मेरा घाव पक गया था, आखिरकार मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा था, लेकिन इस बार मेरा घाव बहुत जल्दी रिकवर हो गया। और मैं बताऊंगी मेडिसिन का, तो आपको एक एंटीबायोटिक दिया जाता है और एक पेन किलर दिया जाता है, बाकी आपको आयरन कैल्शियम दिया जाता है। ये जो एंटीबायोटिक है डॉक्टर जितना दिन आपको दे आप उतना ही दिन खाइए, अगर ज़्यादा आप खाती हैं 2-4 दिन तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। मैंने इसका डोज 2 दिन बढ़ा दिया था, ये तो बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए होता है एंटीबायोटिक, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने इसको 2 दिन और बढ़ा दिया था। मुझे यूरिन इन्फेक्शन शुरू हुआ ही था कि मैंने तुरंत इसको बंद कर दिया और यूरिन इन्फेक्शन से इस तरह से मैं बच पाई, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन भी महिलाओं में अधिकतर होता है जो कि काफ़ी कष्टदायी होता है। और दूसरा ये था मेरा पेन किलर जो दिया गया था वो 8 दिन के लिए दिया गया था और सुबह शाम दोपहर दिया गया था, लेकिन मैंने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा दर्द मुझे होता था बहुत ज़्यादा, शनिवार को डिलीवरी हुई थी और मंगलवार बुधवार को मैं इतना रोई, मैंने अपने हस्बैंड को अस्पताल भेज दिया। वहाँ जाने पर डॉक्टर ने कहा कि इस दर्द का कोई उपाय नहीं है, जो पेन किलर मैंने दिया है उनको खाना है, और अभी कमर दर्द वगैरह है तो मालिश भी अभी इसलिए नहीं होगी कि अगर कमर में या थाई में मालिश होगी तो टाका टूटने का डर होता है, तो मालिश भी आप 1 हफ्ते बाद ही शुरू करें, ये दर्द उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैंने अपना दिमाग लगाया था, हालांकि आप लोग सोच समझ कर ये काम करिएगा क्योंकि अधिक पेन किलर आपके किडनी पर इफ़ेक्ट करता है, लेकिन मैंने क्या किया था, जैसे सुबह 8 बजे लेती थी पेन किलर तो 3 भागों में समय को बांट दिया था कि 8 बजे लूँगी और उसके बाद फिर 2 बजे लेती थी, 8 बजे सुबह लिया फिर 2 बजे लेती थी यानी 6 घंटे के बाद, और फिर शाम 8 बजे 6 घंटे के बाद। इससे मेरा दर्द कवर नहीं होता था, रात में भी दर्द होने लगता था सुबह भी, तो मैंने इस पेन किलर का टाइम कर दिया था 4 टाइम, सुबह 8 बजे लिया और फिर दोपहर को 2 बजे लिया, फिर शाम में 8 बजे और फिर रात में भी मैं 2 बजे लेती थी अलार्म लगाकर, जब मैं बाबू को फीडिंग कराने उठती थी तो एक बार उस समय खाने के बाद। बस मैंने ये काम बस 2 दिन ही किया, 2 बजे खाती थी तो मैंने सुबह देखा कि 8 बजे तक मुझे कोई दर्द नहीं है, तो मैं घड़ी देखते जाती थी, फिर मैंने 6 घंटे से 7 घंटे बढ़ाया, 7 घंटे में मैंने लेना शुरू किया, तीसरे दिन मैंने 9 घंटे में लिया, तो जब 8 बजे लिया फिर 9 घंटे की दूरी बनी, मतलब कि ड्यूरेशन बढ़ाते गई, दर्द कम होते गया और समय भी बीतते गया, ड्यूरेशन मैंने दवाई की बढ़ाई, तो बस बीच में मैंने 2 ही दिन इसको 4 टाइम किया था, समय बढ़ा बढ़ा कर खाती थी, कितना देर मेरा दर्द नहीं होता है और कितना देर मैं दर्द को बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो इस तरह बस 2 दिन मैंने 4 बार खाया, उसके बाद मेरी सारी कहानी ख़त्म, पेन किलर इतना मेरा बचा ही रह गया, मैंने जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था उसमें से इतना बचा रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये ट्रिक आप फॉलो करते हैं तो आपको इस टाके में प्रॉब्लम भी नहीं होगा, जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे और आप आसानी से उठ बैठ सकते हैं, क्योंकि फिटिंग वगैरह कराने में भी प्रॉब्लम होती है अगर टाके में दर्द होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, इस पर रोज़ मेरे वीडियोज़ आते रहते हैं, ब्लॉगिंग से स्टिचिंग कटिंग इससे रिलेटेड हर तरह से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड, तो काफ़ी मज़ा आप लोगों को आएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, और मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में और अगले ब्लॉग में, और सारी चीज़ को एक एक करके मैं शेयर करूँगी, जो जो मेरे से जैसे कमर का दर्द हुआ था मैंने उसको कैसे ठीक किया, डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, तो मैं एक एक करके सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ, चैनल पर नए हैं चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो करिएगा लाइक, बाय बाय डियर, बाय, आई लव यू ऑल।